शैतान कोई एक तीसरी मखलूक नहीं है, ये इन्हीं जिन्नातों में से जो बुरे काम करने वाले हैं या इंसानों में से जो बुरे आमाल करने वाले हैं, यही लोग शैतान है, यही लोग शैतान है। शैतान कोई तीसरी मखलूक नहीं है कि जिसके बारे में हमारे जहन में आए कि बड़ा ही खतरनाक चेहरे वाला, काला चेहरे वाला। और बच्चे जिस तरीके से ईद के मौकों पर या मेले में जब जाते हैं तो मास्क, एक शैतान वाला मास्क लेकर आते हैं, शैतान वाला प्लास्टिक का चेहरा लेकर आते हैं और समझते हैं कि बस शैतान ऐसा होता है। एक दूसरे को वो चेहरा पहनकर डराते हैं ना और कहते हैं कि शैतान ऐसा होता है। शैतान कोई खास चेहरे वाला नहीं होता। और इंसान जब कोई बुरे काम करता है, जब कोई बुरे अमल करता है या किसी को बुरे कामों से रोक, अच्छे काम से किसी को रोक देता है, तो उसका चेहरा भी उस मास्क से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हमारी नजरों में दिखाई नहीं पड़ता, हमें नजर नहीं आता खतरनाक चेहरा, हमें तो एक नॉर्मल सा इंसान नजर आता है, लेकिन उसके बुरे अमल की वजह से वो इंसान उस शैतानी गंदे और गलीज और सियाह चेहरे से भी ज्यादा खतरनाक चेहरा हमारा हो जाता है उस बुरे अमल की वजह से। इसी तरीके से इंसान जब वो कोई गलत काम करता है, जब वो कोई बुरा काम करता है जिन्नात, तो वो उस वक्त शैतान होता है। वरना जिन्नातों में जो अच्छे काम करने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, जो अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने से बचने वाले हैं, वो शैतान नहीं है, वो तो नेक जिन है। और जो बुराइयां करने वाले हैं, जो इंसानों को बुराइयों में डालने वाले हैं, जो इंसानों को तकलीफों में डालने वाले हैं, वो शैतान होते हैं।